हेलो हेलो टीम। तो अभी हम लोग लखनऊ किचन का बीडी कर रहे थे। तो अभी हम लोग हजरतगंज हबीबुल्ला स्ट्रीट पे हैं, जो कि सिटी का मिड पॉइंट है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी का मतलब फ्रंट साइड है, यहाँ से निकल के सिटी को कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारी जो गाड़ी रहेगी वो दो साइड से आ सकती है, बड़ी गाड़ी इस साइड से आ सकती है, छोटी गाड़ी भी इसी साइड से आ सकती है, इस साइड से भी अपनी गाड़ी आ सकती है। लेकिन सामने थोड़ा बैरियर है तो वहाँ से मुश्किल रहेगा आने में, तो इस साइड से आना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सिटी का मिड पॉइंट है, जो हजरतगंज से मतलब 700 मीटर आगे जाके रोड से कनेक्ट हो जाता है। और ये रोड की जो चौड़ाई है वो 15 फीट 5 इंच 15.5 फीट। तो हमने पता किया है कि बगल में ये जो सामने किचन है रावल वालों का, इनका भी जो ट्रक आती है, बड़ी बड़ी लारी आती है, वो मेन स्ट्रीट से ही आती है, वहाँ से ही आती है। तो उनका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और ये अपनी पार्किंग रहेगी जब हम ले लेंगे। और ये प्रॉपर्टी के ठीक सामने ड्रेनेज है, म्यूनसिपल ड्रेनेज है, तो यहाँ पे ड्रेनेज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बगल में ही है। तो प्रॉपर्टी के बगल में जो बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग है, ये मैरिज लॉन है जो और उसके बगल में बैंक है। फिर प्रॉपर्टी के अपने ठीक सामने मतलब फ्रंट में वो रावल का किचन है, और उसके बगल में मतलब ये बिल्डिंग सैमसंग सर्विस सेंटर है, ये अपना जिम है, और यहाँ पे मतलब बार भी है। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी के पास। तो ये हमारा प्रॉपर्टी का फ्रंट है, मतलब पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम लोग पार्किंग कर सकते हैं। और ये अपना पूरा प्रॉपर्टी है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में थोड़ा सा गैप है, और उसके बगल में ये बिल्डिंग है, ये वही मैरिज लॉन वाला है जो कि उनसे कनेक्टेड है। ये टोटल 4-4.5 फीट का स्पेस है। फिर प्रॉपर्टी के दूसरे साइड भी थोड़ा ऐसा स्पेस है। तो ये प्रॉपर्टी जिन ऑनर का ही स्पेस है, जिन्होंने बनवाया था, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ कर सकते हैं, हम अपने जो कोल्ड रूम बनाएंगे उसके गैसेस हम यहाँ पे रख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, अपना गैस भी यहाँ पे कर सकते हैं। 4-4.5 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी का एंट्रेंस है। तो ये टोटल 8-8.5 फीट इसकी चौड़ाई है, और लंबाई है 6 फीट 4 इंच। तो देखिए, ये हमारा प्रॉपर्टी है ग्राउंड फ्लोर का।
तो अभी ये प्रॉपर्टी का हमारा अगर हाइट की बात करें तो ग्राउंड से लेके बीम तक अगर बात करेंगे तो 8 फीट 10 इंच है, और ग्राउंड से लेके अगर सीलन तक बात करेंगे तो 10 फीट 5 इंच है इसकी हाइट है। ये यहाँ से भी हम एंटर कर सकते हैं, और ये हमारा फ्रंट है। तो इस प्रॉपर्टी में ये हमारा जो देख रहे हैं सामने, ये बैक साइड है, तो बैक साइड में हम एग्जॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। हम चाहे प्रॉपर्टी के राइट साइड बैक एग्जॉस्ट निकालें चाहे लेफ्ट साइड। तो इसमें पहले बैंक था, तो बैंक वालों ने ये जो आप देख रहे हैं ये इसको इन्होंने एक प्लाई से कवर करके रखा हुआ था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये प्लाई है। तो इस साइड चाहे हम एग्जॉस्ट निकालें चाहे हम इस साइड एग्जॉस्ट निकालें। तो अगर प्रॉपर्टी की लंबाई बात करें, मतलब उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, तो 58.5 है लंबाई। और चौड़ाई बात करें, मतलब प्रॉपर्टी का ऐसे चौड़ाई बात करें इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, तो 43.8 है। तो अभी हम प्रॉपर्टी के मेजर चीज़ पे बात कर लेते हैं कि इस कॉर्नर से लेके इस पिलर के बीच की जो चौड़ाई है वो 10 फीट 11 इंच है। सेम इसमें भी है, इस पिलर से लेके इस पिलर की जो चौड़ाई है वो 10 फीट 11 इंच है। फिर इस पिलर से लेके इस पिलर के बीच की जो चौड़ाई है वो 10 फीट 11 इंच है। इस पिलर से लेके कॉर्नर तक की जो चौड़ाई है वो 11 फीट है। ये मतलब थोड़ी सी लंबाई इसकी ज़्यादा है इंचेस में, मतलब ये 11 फीट है टोटल। अभी बात करते हैं उस कॉर्नर से लेके इस पिलर के बीच की जो चौड़ाई है वो 21 फीट है। सेम इस साइड में भी है, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर, इस पिलर से लेके उस कॉर्नर तक की जो हाइट है चौड़ाई वो 21 फीट है, और 1 फीट 8 इंच इस पिलर की जो चौड़ाई है वो ये है। तो प्रॉपर्टी में टोटल 3 वॉशरूम हैं, 2 सामने हैं। प्लस 2 उस साइड है, और एक छोटा सा वो किचन टाइप बनाया गया है। ये वॉशिंग के लिए यहाँ पे है, जो कि इसका जो ड्रेनेज से कनेक्टेड है वो वॉशरूम से कनेक्टेड है। टाइल्स का अगर बात करेंगे तो ये सीमेंटेड का तो मुझे लग रहा है, ये जो टाइल्स है ये देख सकते हैं, ये फ्रंट साइड है, वहाँ से हम एंट्रेंस करेंगे, और ये 2 विंडोज़ है, 2 इस साइड है प्लस 2 उस साइड है। इधर भी मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ से भी हम एंट्री है हमारा। तो अगर हमारा एंट्रेंस में हाइट हमारा 6 फीट 4 इंच है, छोटा है एग्जैक्टली, तो इसको ब्लॉक करके हम यहाँ से भी एंट्रेंस कर सकते हैं, इसको भी हम एंट्रेंस अपना बना सकते हैं, वो ऑन करके देंगे। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी के छत पे हैं,
तो प्रॉपर्टी हमारा फ्रंट है, तो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे राइट एंड लेफ्ट, तो प्रॉपर्टी के अगर राइट साइड बात करेंगे तो ये देखिए ये बड़ा सा ग्राउंड है कॉलेज का, ये देखिए कॉलेज, और ये नीचे स्पेस, फिर लेफ्ट साइड चलते हैं, तो ये लेफ्ट साइड है, बैक साइड में क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बैक साइड में बैंक है SBI का, तो इस साइड में बैंक, बैक साइड में स्पेस भी हमारा नहीं है, तो इस वजह से हम बैक साइड में नहीं निकाल सकते। ये देखिए ये रेबल का किचन है यहाँ पे, तो इनका भी बड़ी बड़ी ट्रक आती है, गाड़ी आती है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सैमसंग का सर्विस सेंटर है, ये हमने प्रॉपर्टी का ड्राइंग बनाया है, तो ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पे इस साइड से भी एंट्री कर सकते हैं, इस साइड से भी, और ये डिटेल। धन्यवाद।